दोस्तों, अगर आपने टाइटल और थंबनेल को देखकर वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं आपको बताता हूँ, ये वीडियो लास्ट 10 ईयर बोर्ड पेपर और एनसीईआरटी बुक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अवतार विद्या मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक इन क्वेश्चन बैंक को लेकर और यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2019, ये चार चीज़ों को मिलाकर बनाया गया है। ये क्वेश्चन जो बनाए जा रहे हैं आपको, मैं आपको बता दूँ कैसे आपको इस चैनल पर वीडियो मिलेंगे। केमिस्ट्री में चार टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पी, अति लघु, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी। इसमें बहुविकल्पी आपका कैसे तैयार कराएंगे, बहुविकल्पी का रोज शाम 7 बजे लाइव टेस्ट होता है, आप सभी लाइव टेस्ट में भाग ले सकते हैं। बात रही अति लघु की, अति लघु के लिए मैं आपके लिए ऐसे ही 5 वीडियो बनाऊंगा। 5 वीडियो कैसे बनेगा ये देखिए। इसमें आपको लास्ट ईयर सभी साल के पेपर जो वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं उनको मैं मिलाकर बनाता हूँ। इसमें आपको लास्ट 10 ईयर के पेपर, एनसीईआरटी, अवतार, विद्या मास्टरमाइंड, यूपी बोर्ड का जो 2019 का मॉडल पेपर है उसके लिए, लघु उत्तरी के लिए आपका 7 वीडियो ऐसा आएगा और दीर्घ उत्तरी के लिए 6 वीडियो आएगा। अगर आप इतने वीडियो एक सब्जेक्ट के लिए तैयार कर लेते हैं, जितने प्रश्न बताऊंगा ये सभी प्रश्न देख लीजिए, एकदम वीआईपी प्रश्न है, सब प्रश्न एकदम इम्पोर्टेंट है 2019 के लिए। अगर आप इस तरीके से तैयार करते हैं तो आपको जब आप पेपर देने जाएंगे ना यूपी बोर्ड 2019 का, तो आपको लगेगा कि ये पेपर आपके लिए आउट हो चुका था। अगर आप इतना पेपर, इतना प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए लगेगा कि ये पेपर आउट हो चुका था, तो इसलिए थंबनेल और टाइटल इसलिए ऐसा दिया गया। चलिए मैं आपको बताता हूँ, आज हमारा है दीर्घ उत्तरी प्रश्न का पार्ट 1। दीर्घ उत्तरी प्रश्न मैं आपको बता दूँ 6 वीडियो मेरा आएगा, 6 वीडियो अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा, आपको कहीं कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत रहेगी। इन सभी प्रश्नों का आंसर भी बताऊंगा वीडियो के अंत में कि आंसर कहाँ मिलेगा, आंसर भी खोलने की कोई झंझट नहीं रहेगी। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और उस बेल नोटिफिकेशन दबा लेना है जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बात करते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न, मैं आज आपको बताऊंगा ऐसे दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो लास्ट ईयर वेरी इंपॉर्टेंट और लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आते रहेंगे, फिर आएगा अति लघु, लघु उत्तरी, बहुविकल्पी। तो डेली 7 बजे टेस्ट होता है, ये आज है ठोस अवस्था का टेस्ट, तो भाग लेने के लिए 7 बजे हमारे चैनल पर आ जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो पहला प्रश्न है ये देख लीजिए, 2014 10 9 8 7 5 और 18 में आ चुका है। क्या प्रश्न है, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए, इसके दो उपयोग भी लिखिए। आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण और इसके दो उपयोग लिखना है, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 2016 17 18 में आ चुका है। क्या क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए, क्लियर है। पढ़ते हैं, जो थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ये देख लीजिए कितने साल आए हैं, हार्डी सुलझे नियम पहला है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2018 17 15 12 10 6, ये इतने साल बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। सेकंड है सरल संख्या, सरल संख्या हमारा 2015 14 13 12 11 10 9 8 6 5 इतने साल आ चुका है। पेप्टिकर ये भी इंपॉर्टेंट है, 14 13 12 9 7 6 और विद्युत कर संचलन ये भी इंपॉर्टेंट है, 2017 13 2010 और 2018। तो ये थर्ड क्वेश्चन जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दीर्घ उत्तरी के लिए, 5 मार्क्स का आज क्वेश्चन बता रहा हूँ, 5 मार्क्स वाले आपके लिए 6 वीडियो आएंगे। अगर 6 वीडियो का आप प्रश्न तैयार कर लेते तो आपका पूरा केमिस्ट्री का तैयार हो जाएगा। इसी तरह मैं आपको सभी सब्जेक्ट का लेकर आऊंगा, फिजिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, सबके लिए लाऊंगा। उसमें आपको कैसे बनाया जाता है वीडियो, लास्ट 10 ईयर का पेपर बोर्ड एग्जाम का, एनसीईआरटी बुक हो गया हमारा, और जो हमारा मास्टर माइंड क्वेश्चन बैंक है, अवतार है, विद्या है, इनको ले लिया जाता है जो वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट में रहते हैं, और यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2019। इतने चीजों को मिलाकर आपको ये क्वेश्चन मिलते हैं, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिए, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, या टिन धातु से किस प्रकार क्रिया करता है, संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए, इस अम्ल में नाइट्रेट मूलक NO3 माइनस का परीक्षण कैसे करेंगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 17 11 9 8 7 6 में आ चुका है, क्लियर है। बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से अभिक्रिया आपको डिफाइन करना होता है, ये अभिक्रिया क्या है। पहला है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ये है 18 17 16 15 14 2009 में आ चुका है। हेलो फॉर्म अभिक्रिया, ये भी 16 15 14 साल में आ चुका है। और एडो फॉर्म अभिक्रिया, ये है 14 16 17 18, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी क्या है, मैंने इसको आपको नोट डाउन करके दिया है।
बात रही आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर की, तो मैं वीडियो खत्म होने के बाद बता रहा हूँ सभी प्रश्न का आंसर कहाँ मिलेगा। पहले देख लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठवां प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, इनके उपयोग एवं रासायनिक परीक्षण की विधि लिखिए। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, इनके उपयोग एवं रासायनिक परीक्षण की विधि लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है सातवां, क्लोरीन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, क्लोरीन के विरंजक गुण का वर्णन कीजिए। ये 14, 15, 16, 18 में आ चुका है। तो ये हमारा था पार्ट वन, जिसमें दीर्घोत्तरी था, पार्ट वन दीर्घोत्तरी। इसमें आपको मैंने बताया 7 प्रश्न, माफ करिएगा 7 प्रश्न आपको बताया, ठीक है 7 प्रश्न। इस तरीके से दीर्घोत्तरी के लिए 6 वीडियो आएंगे, तो 7×42 प्रश्न आपको मिलेगा दीर्घोत्तरी का। इसी तरह आपको मिलेगा लघु उत्तरी का 50 प्रश्न, 50 प्रश्न अति लघु, लघु उत्तरी और बहुविकल्पी के। तो इतने प्रश्न अगर आप सभी सब्जेक्ट के लिए एक एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तैयार करेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आपका ये पेपर आउट हो चुका था। तो अगर आगे वीडियो देखना है ऐसे तो आप वीडियो को तुरंत लाइक करो, और बात रहे इन प्रश्नों का आंसर के लिए तो नीचे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप आप वहां पर ज्वाइन हो जाइए क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए, क्लास 12 का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ज्वाइन हो जाइए। आप ज्वाइन होंगे जो भी वीडियो बनता है उस व्हाट्सएप ग्रुप में उसका आंसर तुरंत चला जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब ऐसे ही सभी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो और उस बेल नोटिफिकेशन दबाओ, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।